बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहा खान और आप देख रहे हैं सुहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएं और ऐसे मज़े मज़े की रेसिपी को खूब इंजॉय करें। आज बनाएंगे आलू के सीख कबाब, आलू के कबाब, रोल कबाब, चीज़ी कबाब, बहुत मज़े की, झटपट बनेगी, बहुत कम अशिया में और बहुत नाइस जैके के साथ। तो रेसिपी के साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा और उसके साथ इंजॉय करते हैं आज की रेसिपी को, जिसे बना के और अपनी इफ्तारी की शान को आप बढ़ा सकते हैं। तो चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बाउल मैंने लिया, इसके अंदर मैंने आलू क्रश करके डाले, आधा किलो आलू हैं। आप हाथों से भी कर सकते हैं, आप इस तरह मैशर से भी कर सकते हैं, ऐसे ग्रेट भी कर सकते हैं। जिस तरह करना है हमें आलू को मैश करना है, इस तरह करने से ज़रा आलू जल्दी मैश हो जाता है और आलू में जो गुठली होती है ना वो नहीं रहती, यानी कि सारे आलू बराबर बराबर मैश होते हैं। आलू को मैंने छील लिया है और ग्रेट कर लिया है। अब इसके साथ मैं डालूंगी, बहुत झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, चना की दाल। चने की दाल डालूंगी, ये आधा कप है, आधा किलो आलू और आधा कप चने की दाल। और इसके साथ दो खाने के चम्मच मैंने बंद गोभी, एक खाने के चम्मच प्याज और एक चम्मच खीरा डाला। और ये है चीज़, आप कोई सी भी चीज़ ले लें और ग्रेट करते जाएँ और बहुत मज़े के साथ आज आपको चीज़ी और फ्लेक्सिबल सी आपको कबाब मिलेंगे, तवा कबाब। कोई ज़्यादा सामान नहीं होगा, मज़े के साथ आपको मैं आज रेसिपी बताऊंगी। तो चलें जी, चीज़ को भी मैंने ग्रेट कर लिया। इन तमाम अशिया के साथ अब जाएंगे मिसाले, एक छोटा चाय का चम्मच नमक जाएगा और इसके साथ जाएगा वही छोटा चम्मच, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और ये आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ अब हमने डालना है आधा चाय का चम्मच ये हमारे पास चाट मसाला। और अब इनको अच्छे तरीके से मैश करना है, इसको एक स्मूथ सा डो टाइप बना लेना है, बहुत मज़े का। देखें, चने की दाल भी हमें मिलेगी, थोड़ा सलाद भी मिलेगा और थोड़ा नया जायका भी मिलेगा चीज़ के साथ। तमाम हमारे अशिया मिक्स हो चुके हैं। बिस्किट थोड़ा सा एक बॉल बनाते हैं, रोल बनाते हैं, आप हाथों से भी रोल बना के दे सकते हैं, आप स्टिक से भी सीखे कबाब बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ। अभी पहले मैं आपको हाथ से इसका रोल बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने हाथों से बनाना है। तो देखें जी, ये हाथों से तैयार हो गया रोल, अब दूसरा बनाती हूँ, वो बनाऊँगी सीख कबाब की स्टिक से। सीखे कबाब है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप नंबर वन वाले स्टेप से भी बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस मज़े के साथ। देखें जी, मैं थोड़ा क्लोज़अप दिखाती हूँ कैमरे को। देखिए जी, मज़े के साथ हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। आराम से हमने इसको निकालना है स्टिक से और रखते जाएं डिश पे। तो देखें, बिल्कुल आराम से, अब पहले वाला हाथ वाला था, दूसरा स्टिक के साथ मैंने बनाया। देखें, दोनों मैंने बना के आपको दिखा दिए। इस तरीके से अब मैं सारे आपको चीज़ी रोल बनाना दिखा रही हूँ। तो चलें, फाइनल हो गया, अब ये भी मुकम्मल हो गया। एक स्टिक उठाएं और आराम से सारे सीखे कबाब बनाएं, अफ्तारी के मज़े को बढ़ाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अभी इसके साथ अब मैंने ये डाला है दो चम्मच कॉर्नफ्लावर के और इसके साथ उतनी बराबर मिकदार में दो चम्मच मैदे के। दोनों को मिक्स करेंगे, एक लेयर बनाएंगे। और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और ये रोल जो अभी आपके साथ बनाए। थोड़ा सा पानी के साथ हमने एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना वरना फिर आपके कबाबों को नहीं लगेगा। अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो आप अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन अंडे से थोड़ा हट के हमने नए जायके के साथ बनाना है। तो चलिए, बैटर तैयार हो गया, अब इसी के अंदर रोल को हमने रोल करना है। तमाम बैटर रोल को लग गया, अब उठाए और ब्रेड क्रम्स पे लगाएंगे। ये भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, लेकिन ब्रेड क्रम्स लगने के बाद ही बिल्कुल ही अपनी असली शक्ल में सही हो जाते हैं। तो ब्रेड क्रम्स लगते गए, अब मेरे फाइनल हो गया तो ब्रेड क्रम्स भी लग गया। तो चलें, सारे हमारे रोल तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक और अच्छा दिन अल्लाह ने हमें बनाने का और आपके साथ शेयर करने का अता फरमाया। तवा गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने तकरीबन दो बड़े खाने के चम्मच ऑयल गर्म किया। अब रोल किसके अंदर डाला है और हमने आंच को दरमियानी रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी वरना आपके रोल चिपक जाएंगे तवे को। कोई कढ़ाई नहीं उठाई, कोई पैन नहीं उठाया,
ब्रेकफास्ट ही आप पहले टाइम में बना के रख दें और अफ्तारी के नज़दीक फ्राई कर लें। तो आज आपको एक नई रेसिपी मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का गिफ्ट। तो देखें हमारे रोल आराम से फ्राई हो गया, मैं ऑयल से बाहर निकालती हूँ। आप इनको केचप के साथ, इनको दही के साथ या ये एज इट ऐसे भी बहुत मज़े के हैं, आप बिना किसी चीज़ सॉस के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें डिश आउट भी करते हैं। अब ये हमने निकाल लिए ऑयल से, बहुत मज़े के, बहुत गर्म, बहुत क्रिस्पी। जब ब्रेड क्रम्स लगता है और कॉर्नफ्लोर और मैदा लगता है तो इसका अपना ही जायका आता है। तो ऐसे सारे बनाते जाएंगे और अपने प्यारे से हाथों से आप सोया फूड सीक्रेट्स को लाइक भी करते जाएं, सब्सक्राइब भी करते जाएं और शेयर भी करते जाएं। और कोई भी मसला हो, कोई भी रेसिपी हो, आपने पूछना हो, बतानी हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आपके लिए हाजिर हूँ। आप बताते जाएं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी आपके सवालों का। तो चलें इसके साथ ही मेरे तकरीबन तमाम रोल, चीज़ी रोल, कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको बनाएं, चिकन को, बीफ को, मटन को भूल जाएं। इंशाल्लाह फिर आऊँगी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।